क्या आपको स्वीट कॉर्न खाना पसंद है? अगर हाँ तो यह रेसिपी बस आपके लिए है। बारिश के मौसम में स्वीट कॉर्न से बने स्वादिष्ट स्नैक्स अगर मिल जाए तो क्या कहना। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्वीट कॉर्न से बने कबाब की रेसिपी बताने जा रही हूँ। कॉर्न कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप उबले हुए स्वीट कॉर्न लिए हैं, दो उबले हुए आलू लिए हैं, एक बॉल मैंने यहाँ पर ब्रेड का पाउडर लिया है, दो हरी मिर्च लिया है, एक चम्मच क्रश किया हुआ अदरक है, एक चम्मच लहसुन क्रश किया हुआ है, आधे चम्मच चाट मसाला लिया है मैंने, और एक चम्मच गरम मसाला, और एक चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है, नमक टेस्ट के अनुसार, और कॉर्नफ्लोर लिया है। उबले हुए स्वीट कॉर्न को दरदरा करके एक बड़े बाउल में डाल देंगे। उबले हुए आलू डाल देंगे। दो ब्राउन ब्रेड को मैंने ग्राइंडर में चला लिया था उसे डाल देंगे। चाट मसाला डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, अदरक और लहसुन का जो मैंने क्रश करके रखा था वो डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। बिना पानी के हम इसे मिला लेंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। कुछ इस तरह से बना के मैंने डो तैयार कर लिया। अब हाथों में थोड़े से पानी लगाएंगे ताकि सेब बनाते समय हाथों में चिपके ना। छोटी छोटी लोई लेकर इसे हाथों से प्रेस करके लंबे सेब में बना लेंगे और इसमें स्टिक डाल देंगे। आप चाहे तो बिना स्टिक के भी बना सकते हैं। इस तरीके से सारे तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करेंगे। ऑयल जब मेरा गर्म हो जाए तब इस कबाब को हम फ्राई करेंगे। फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखनी है और हर तरफ से हमें चला के इस तरह से ब्राउन कर लेना है। चारों तरफ से ये मेरा ब्राउन दिख रहा है तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से आप ये रेसिपी घर में बना सकते हैं। कोई मेहनत भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी इसमें यूज़ नहीं हो रहे हैं। बाकी सारे ऐसे ही डीप फ्राई कर लेंगे हम। इस रेसिपी को आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।